दुनिया भर में लोग कोरोना को लेकर चिंतित हैं। इसी सिलसिले में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने कार्यक्रमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने कार्यक्रम में बदलाव किए हैं और आने वाले वक्त में अपने तमाम कार्यक्रम फिलहाल उन्होंने रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा रोहतक और दिल्ली में भी उनका कार्यालय 15 दिन तक बंद रहेगा। इसके अलावा महम से विधायक बलराज कुंडू भी अपनी रैली को स्थगित कर चुके हैं। चीन से निकले कोरोना वायरस से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में कई राज्यों में काफी मामले सामने आ रहे हैं। अब हरियाणा के गुड़गांव से भी कोरोना का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में शासन और प्रशासन कोरोना के खिलाफ मुस्तैद है। कोरोना का असर आम जनजीवन के अलावा राजनीति पर भी नजर आ रहा है। ऐसे में रोहतक से पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अगले 2 हफ्ते तक अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। साथ ही रोहतक और दिल्ली के कार्यालय भी बंद रखने का फैसला ले लिया है। आपको पता है कि चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऐसे में भारतवर्ष इस वायरस की चपेट में ना आए, उसके लिए आपको हमको सबको अपनी ओर से एहतियात बरतने में योगदान देना है। विशेषज्ञों डॉक्टरों की राय के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अगले 2 हफ्ते तक मैं भी अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए जो हमारे 2 कार्यालय हैं, रोहतक निवास स्थान और दिल्ली के अंदर नॉर्थ एवेन्यू, जिनके माध्यम से मैं हर रोज हरियाणा के कोने कोने से आए लोगों से मिलता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, जनसाधारण की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ, इन 2 कार्यालयों को बंद रखा जाएगा ताकि कोई एक व्यक्ति भी हमारे कार्यालयों के माध्यम से इन्फेक्शन लेके अपने घर ना जाए। साथ ही मेरा प्रयास होगा कि इस समय कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ऐसा ना हो जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूं, और आप सबसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी एहतियात बरतें। इस वक्त इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग कोरोना को लेकर एहतियात बरतें, लेकिन सबसे अहम ये भी है कि इसको लेकर डरे नहीं बल्कि अपना ख्याल रखें।